नमस्कार, आप देख रहे हैं निदेशक न्यूज़। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, अंदेशकों ने मांगा है अपना हक 17,000 विद 9% ब्याज की। ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विपदा आई हम पर भारी, सुप्रीम कोर्ट की करो तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार से अंदेशकों ने मांगा अपना हक, मान दी 17,000 9% ब्याज के अब तक का। शुरू करते हैं, क्या है पूरा समाचार, चलते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, अब समाचार विस्तार। साथियों, यहां पर बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर अनुदेशकों का मानदेय 17,000 को लेकर मैसेज वायरल हुआ है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं लगातार। आगे क्या समाचार है, मैं आपको ये पूरा समाचार पढ़कर बताना चाहूंगा। और ये समाचार साभार है, लोक भारती न्यूज ब्यूरो से, अलीगढ़ मंडल से। सरकार की विनम्रता, जूनियर के अनुदेशक प्राथमिक के शिक्षा मित्रों से कम पाते हैं मानदेय। जी साथी, ये बात एकदम सत्य है कि जूनियर के अनुदेशक यानी पूर्ण शिक्षा प्राप्त अपने विषय के महारथी अनुदेशक कम मानदेय पाते हैं प्राथमिक में कार्यरत शिक्षा मित्रों से। तो यहाँ पर न्यायालय का आदेश 17,000 का आदेश देती है 7,000। न्यायालय ने आदेश 17,000 का किया है, लेकिन सरकार मात्र 7,000 रुपए देकर शोषण कर रही है इन शिक्षकों का, इन राष्ट्र निर्माताओं का। लोक भारती न्यूज़ ब्यूरो ने इसको अपने पेपर में छापा है। एटा जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अनुदेशकों के साथ प्रदेश के सरकार द्वारा ओछा व्यवहार किया जा रहा है, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी दयनीय स्थिति पर कोई भी विचार अब तक नहीं किया गया है। पहले 8,470 पाते थे मानदेय अनुदेशक लोग, लेकिन उनको घटाकर उनका मानदेय 7,000 कर दिया। इस पर दुख व्यक्त किया है इस समाचार पत्र ने, और सवाल खड़ा कर दिया है सरकार के लिए कि क्यों उनको 7,000 रुपये दिया जा रहा है, जबकि उनका मानदेय कोर्ट द्वारा 17,000 9% ब्याज के हो चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल 2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, और इसमें क्या व्यवस्था की है सरकार ने, ये समय बताएगा, क्योंकि पुनः सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार। अब देखते हैं कि इन अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने जो वोट दिया है सरकार को, उसके बदले में क्या सरकार उनके साथ न्याय करेगी। इधर सोशल मीडिया पर लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इसी बीच समस्त संविदा कर्मी और शिक्षक संविदा कर्मी एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विचार विमर्श कर रहे हैं। हो सकता है अनुदेशक शिक्षा मित्र, अन्य जो संविदा शिक्षक हैं, वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट के लिए करें, क्योंकि उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जैसा कि अन्य राज्य की सरकारें कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथियों, अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है, और 25 को संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार शपथ लेंगे अपने मुख्यमंत्री पद की, और देखते हैं इसके बाद क्या घोषणाएं करते हैं, क्या कुछ खास करेंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षक व शिक्षा मित्र प्रशिक्षित होंगे, ये यहाँ पर एक समाचार है, और इसको निजी संवाददाता ने दिया, साभार हिंदुस्तान से है। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़िले के कक्षा 5 तक के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक व शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ये प्रशिक्षण शुरू हो चुका है साथियों,
और पहले चरण में 4 दिन का प्रशिक्षण हो भी चुका है। इनको प्रशिक्षित किया जाएगा क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों में बुनियादी भाषा व गणित में कौशल विकास के लिए प्राथमिक विद्यालयों में तैनात सभी शिक्षक व शिक्षा मित्रों को फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया। मिशन प्रेरणा के द्वितीय चरण के निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जी हां साथियों, ये समाचार आप देख रहे हो। अब क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसके लिए पूरी तरीके से शिक्षा विभाग तत्पर है और तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तब तक उससे पहले ये सारे काम कर लिए जाएंगे जो भी इसके मध्य और इसके लिए ज़रूरी हैं। साथियों, यहाँ पर एक और खबर है। विजय किरण आनंद जी होंगी बेसिक शिक्षा निदेशक। प्रयागराज से समाचार है। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़ा बदलाव शीघ्र होने जा रहा है। गोरखपुर के DM विजय किरण आनंद को फिर से बेसिक शिक्षा का महानिदेशक बनाए जाने की तैयारियां शासन स्तर पर तेज़ी से शुरू हो गई हैं। इसको लेकर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभावना है कि होली के बाद किसी भी दिन विजय किरण आनंद को बेसिक शिक्षा महानिदेशक बनाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर बताना चाहेंगे 25 स्कूल संभवतः शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद सारे पद वितरित किए जाएंगे और पुनः एक बार फिर से महानिदेशक बेसिक शिक्षा का कार्यभार विजय किरण आनंद जी के लिए सौंपा जाएगा, जो कि इसमें गोरखपुर के DM हैं। साथियों, तो ये समाचार आ रहा है। मिलते हैं जल्द किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।